आज तुम्हाला सांगून ठेवतो, निवडणुकीच्या तोंडावरती किंवा निवडणुकीच्या मध्यात अशीच कुठची तरी एक घटना घडवली जाईल, मोठी घटना घडवली जाईल आणि तुमच्या सगळ्यांचं लक्ष हे फक्त त्या गोष्टींकडे वळवलं जाईल. तुम्ही इतर बाकीच्या ज्या काही भ्रष्टाचाराच्या या गेल्या 4-4.5 वर्षातल्या गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या विसरून जाल आणि हे अशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट घडवू शकतात. आपली स्मरणशक्ती कमी असते आणि कमी असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ज्या तुमच्या डोक्यात असतील या सगळ्या घालवायच्या आणि हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान एवढ्या फक्त गोष्टी तुमच्या समोर उभ्या करायच्या, एक शत्रू उभा करायचा. या असल्या गोष्टी गेले अनेक वर्ष अमेरिका करत आली. असाच कोणतरी एक मोठा एक बुवाजी उभा करायचा आणि त्याच्या भोवती अख्ख्या देशाचं लक्ष त्याच्या भोवती गुंतवून टाकायचं, बाकीच्या गोष्टी लोक विसरतात. आणि याच्यामध्ये मला बोलण्याचा उद्देश असा की या ज्या मी मगाशी म्हटलं ना की आजच्या खऱ्या बातम्या, आज माझे हे पत्रकार बांधव इथे बसले, इथे पण बसलेले आहेत, एकदा जरा जा दिल्लीमध्ये कानोसा घ्या, तुम्हाला सगळ्या बातम्या कळतील काय चाललंय नेमकं. ते जे काही खरं घडतंय हे टेलिव्हिजन चॅनलवरती येत नाही, फक्त बातम्या पुरवल्या जातात. आय एम वाईफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर. On behalf of all the families of all the armed forces, I request my fellow Indians and especially the political leaders, not to politicize the sacrifice of our soldiers. It takes so much to be a soldier. And just imagine the kind of tension, the kind of pain the family of Abhinandan is going through right now. So please, at least till the time the tension is eased at Indo-Pak border, stop your political rallies and don't you dare, I'm repeating again, don't you dare to snatch away the credit of our soldiers. Please stop counting your tickets and stop doing your politics here. Please, you have enough time to play your politics, but not at this time and not at the cost of our soldiers' sacrifice. It's my humble request to all the political leaders, especially the BJP political leaders. Namaskar, Jai Hind, Vande Mataram, main Bharti Yadav. Aaj aapke samne ek apne man ki baat kehne aayi hoon. Aur ye man ki baat, halanki is desh mein man ki baat kehne ka adhikar sirf hamare Pradhan Mantri ji ko hai, kyunki wo sirf man ki baat kehte hain, apni kehte hain, lekin dusre ki sunte nahi hain. Barhal, main koi kisi rajnitik party se nahi hoon aur na hi main kisi paksh aur vipaksh ki baat kar rahi hoon. Main Bharat ki janta se, sena ke parivaron ki taraf se ye appeal karne aayi hoon ki sena ki bahaduri ka shrey kisi rajnitik party ko nahi jana chahiye. Pakistan bar bar puri social media pe log chala rahe hain aur paksh chala raha hai, kuch chala raha hai, विपक्ष को ऐसे लोग कुछ चला रहे हैं कि ये सब मोदी जी ने किया है, मोदी जी के आगे घुटनों के आगे टिक गया पाकिस्तान. पाकिस्तान मोदी जी के आगे नहीं टिका है, घुटनों उसने नहीं टेके हैं, उसने हमारी सेना के शौर्य के आगे घुटने टेके हैं. तो हमारी सेना शहीद होती है, हमारी सेना बहादुरी से लड़ती है, रात भर खड़ी रहती है, परिवार से दूर रहती है. श्रेय आप लोग कैसे किसी पार्टी को दे सकते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं. मुझे मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूं, लेकिन सेना का परिवार होने के नाते मैं लताड़ती हूं उनके सब मंत्रियों को, उनके विधायकों को, सांसदों को और खुद मोदी जी को, जो बार बार चिल्लाते हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा के वो हमारे जवान शहीद हो गए और दूसरे दिन से मुस्कुरा मुस्कुरा के भाषण दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें लतीफे कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसे उकसा रहे हैं. अरे पाकिस्तान आज जो भी कर रहा है, पाकिस्तान जितना भी झुका है वो हमारी सेना के आगे झुका है, हमारी सेना के शौर्य के आगे झुका है, उनकी बहादुरी वीरता के आगे झुका है और आगे भी झुकेगा. लेकिन इसका श्रेय इस देश के लोगों से मेरी अपील है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसका श्रेय ना दें. और अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर पाकिस्तान की कैद में है, उनको आज रिहाई के आदेश हो गए कि कल वो पाकिस्तान से
अपने हिंदुस्तान, अपने वतन उनकी वापसी होगी। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके लिए भी श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी की वजह से वो छूट रहे हैं? नहीं, वो संधि के सारी शर्तों के हिसाब से छूट रहे हैं। हमने भी पाकिस्तान के कितने सारे सैकड़ों जवानों को रिहा किया था। ये युद्ध बंदी के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उन कायदों के हिसाब से इनको छोड़ा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि देश पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं और इतना भी नहीं समझते हैं। अब क्योंकि चुनाव पास में है तो सरकार उसको भुना रही है कि दोबारा हमारी सरकार आ जाएगी। हमें समझना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये लोग क्यों श्रेय ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, वोट लेने हैं आप लोगों से, और वोट वो इसी आधार पर लेंगे। देखिए, पाकिस्तान से लड़ने की हिम्मत सिर्फ मोदी जी की है। कुछ मीडिया वाले भी उनकी वाहवाही कर रहे हैं, मोदी जी की बहादुरी के आगे पाकिस्तान झुक गया, ये हो गया, वो हो गया। शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। क्या दिखा रहे हैं आप भारत की जनता को? क्या देखना चाहती है भारत की जनता? ये नहीं देखना चाहती। हम जानते हैं कि हम अपने परिवारों को कितना त्याग करते हैं, हमारे सैनिक भाई, हमारे लोग कितना दूर रहते हैं परिवार से, कितनी रात रात भर वो गश्त लगाते हैं, बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं तब कहीं जाकर। और वो जो हासिल आज हमें हुआ है, पाकिस्तान यदि झुका है, यदि पाकिस्तान को किसी ने झुकाया तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना ने झुकाया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं। यदि आप हिंदुस्तानी हो तो किसी भी राजनीतिक दल को इसका श्रेय ना दें। धन्यवाद। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जाँच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं।